4 साल में लिया, वो कहाँ लगाया आपने? हम तो इनकी जो इनका बोझ था वो हमारे सर पे आ गया है। हम भाग सकते थे, हम पहले भी ये बताते रहे हैं, रिपीट कर देते हैं। हम चाहते तो एक मौका आ गया था कि हम निकल जाते और IMF की डील होती ना होती, केयर टेकर भुगतते, लेकिन भाग के किधर जाएं? ये हमारा मुल्क है, हमारी कब्रें बुजुर्गों की यहाँ हैं, यही हमने दफन होना है। हम पाकिस्तान को इस तरह तनहा छोड़ जाते? हम संजीदा लोग हैं, सारी जिंदगियां लगाई हैं इस काम में। हमने 22 साल आवारागर्दी नहीं की जिस तरह इसने की है। हमने तो 5 5 दहाइयों का सफर है हमारा, बाज लोगों का प्री पार्टीशन सफर है। ये मुल्क बनाया हमारे बुजुर्गों ने, यहाँ मार्शल लाओ को भगाया इस मुल्क से, सारी जवानियां दी हैं, जेलों के अंदर हम गए हैं। कौन सी चोरी की हमने? वो चोरी साबित क्यों नहीं हुई इसके दौर में? साबित क्यों नहीं हुई जब ये और इसके सारे सहूलतकार ताकत में थे? तो ये झूठ कितना बोलेंगे? और झूठ इनका जो है वो चूरा नब नहीं बिकना, इसलिए हम ये कहते हैं आप संजीदगी इख्तियार करें। ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसे एक बदकिस्मत मुल्क ना बनने दें। पाकिस्तान के मसाइल बहुत शदीद हैं, बड़े डीप रूटेड हैं, एक एक अदारा चलाना मुश्किल हुआ हुआ है। ये हमारी टांगें खींचने का धंधा करते हैं इन्हें, और कोई दूसरा काम नहीं है। और ये इलेक्शन आप बताएं, अर्ली इलेक्शन करवा दें जी, अर्ली इलेक्शन करवा दें, तो हम तो गद्दार हैं आपकी नज़र में, हम तो इम्पोर्टेड हुकूमत है आपकी नज़र में, हम तो चोर भी हैं आपकी नज़र में। आप अब चोरों और गद्दारों से बात करेंगे? और जो नैरेटिव झूठा आपने साइफर का बनाया था, जो बिल्कुल जिसके परखचे उड़ गए हैं, आप वहां से पीछे हटने को तैयार हैं? जैसे 35 पंक्चर्स पे कई साल आप बोलते रहे और एक दिन मुंह से निकल गया कि वो तो मेरा सियासी बयान था। इनके लिए सियासत खेल तमाशा है, हमारा पैशन है। ये अपने इकतदार के लिए ये सारा कुछ करते हैं, हम इसे जहाद समझ के करते हैं। बहुत फर्क है हमारी और इनकी सोच में। भाई साहब, ये बात तो ठीक होगी, लेकिन जो नंबर्स हैं वो इकोनॉमिक के वो बड़े खराब हैं, आपके रिजर्व्स हैं वो बड़ी बुरी तरह गिर रहे हैं, और आगे आपको कोई फ्यूचर प्लान भी नजर नहीं आ रहा कि आप उन रिजर्व्स को कैसे बढ़ाएंगे। कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही, डॉलर रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, और आपका जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो बड़ी बुरी तरह बढ़ चुका है इंटरनेशनली, आपको कहीं से डॉलर नहीं मिल रहा है ओपन मार्केट के अंदर। तो इसकी सारी चीजें आपका प्लान क्या है मैशन के लिए, आप लोग प्लान क्या ये करते माशी प्लान तो आपको सबसे बेहतर साहबदार साहब बता सकते हैं, और और आप वो बार बताया बार भी बात है। करते हैं और बात करते रहते हैं। और उन्होंने कह दिया है कि IMF के लिए वो तैयार हैं, अभी $1 अरब के सकूक की पेमेंट हुई है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, उनकी ये पॉलिसी स्टेटमेंट है कि डिफॉल्ट में नहीं जा रहा है। लेकिन जो मुल्क डिफॉल्ट तकरीबन होने वाला हो या हो चुका हो, उसको वहाँ से पुल बैक करके वापस लाना और खुशहाली के रास्ते पर चलाना, ये चंदवा का काम नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और इमरान यही चाहता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन ले, बात सुन ले, जो सुन ले, सुन ले, जो लोग बार 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 ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो क्या वो हमारी 7 माह की जो इकोनॉमी की पॉलिसीज उनमें से किसी एक बात की निशानदेही कर सकते हैं कि उस वजह से ये हो रहा है? ये तो पिछले यानी पूरे 4 साल से जो है ये मौसी तबाही जो है वो शुरू हुई है, जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल। एक साबिक अफसर ने अब इतराफ लास्ट किया है कि क्वेश्चन, उन्होंने कानून, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन। एक साबिक अफसर ने इतराफ किया है कि उन्होंने आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी की। क्या वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ, किसने इतराफ किया? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कहा था कि हमने कानून तोड़ा, आइंदा नहीं तोड़ेंगे, हमने आईने पाकिस्तान के खिलाफ गए, लेकिन आइंदा हम नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत को इरादा रखती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? वफाकी हुकूमत एक ही इरादा रखती है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज कैसे करना है, बजाय इसके कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ें और एक नई बात सुने जनाब, हमें बोलने देना, सवाल आपने करना जवाब हमने देना, बजाय इसके कि गड़े मुर्दे उखाड़ें, बजाय इसके कि एक दूसरे के गिरेबान फाड़ें, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। एक बात राणा साहब ने की है उसमें थोड़ा इजाफा कर लें, 4 साल की बर्बादी इसकी है, और बर्बादी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन नवाज शरीफ साहब को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर साजिश के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को उखाड़ा गया था। सो ये 5 साल की तबाही है, क्योंकि जब आप एक मुंतखब हुकूमत के पाँव उखाड़ देंगे, उनके सुप्रीम लीडर को डिसक्वालीफाई करेंगे इलीगली, और आप उस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, और ये उस साजिश का पूरा भी पैकेज था। ये वो साजिश है जो पाकिस्तान में 2010 में प्रोजेक्ट इमरान की शक्ल में लॉन्च की गई थी, और जिसका खात्मा अब करीब है। बहुत शुक्रिया। नैब नैब में आप आमदन से ज्यादा असासन केस बनता रहा है, शहबाज शरीफ भी बना, इनके भी बनता रहा है, जनरल बाजवा का भी आमदन से ज्यादा असासन छोड़ ही गया। तुसी अपने मजे ले लो।